ऑफिशियल आदेश जारी, 75 जिलों से डाटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा इस वीडियो में बात करेंगे। 1356 और 1 सीटों की संख्या क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। तो मैं आराम से आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन पर। तो आज की डेट में दो आदेश जारी हुए हैं, दोनों आदेशों को मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। पहला जो आदेश है ये गोंडा जिले से आ चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 17/9/2022 का ही है और इसका जो विषय है माननीय उच्च न्यायालय में योजित से याचिका संख्या 1356/2020 महेंद्रपाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य के संबंध में। तो यहाँ इन्होंने याचियों की संख्या भेजी है। तो यहाँ से जो याचियों की संख्या है, पहली बात तो जिन अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है तो वो एकमात्र बच्चा ऐसा है, एक शिक्षक ऐसा है जिसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। और माननीय न्यायालय अन्य कारणों से विचाराधीन अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर 0-0 दिखाई गई है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से 1356 में बहुत सारे याची हैं, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से याची बने हुए हैं। तो ये गोंडा जिले से कोई भी याची नहीं है क्या? ऐसा मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितने भी गोंडा जिले से जो भी वीडियो देख रहे हों, जिससे कि BSS सर से बात की जाए और उनको अपनी बात बताई जाए कि सर जीरो नहीं, कुछ याची भी यहाँ पर हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग अब इस तरीके से क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वहीं पर दूसरी वो देख सकते हैं कि उन्होंने फिर लिस्ट गोंडा जिले की आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग स्पष्ट रूप से कि 70,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दिनांक 28/6/2021 और 29/6/2021 में जो काउंसलिंग हुई थी उनमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों के संबंध में। तो यहाँ पर भी कई सारे अभ्यर्थी निकल कर आ रहे हैं, देख सकते हैं जैसे कि पहले नीरज कुमार पांडे अनुपस्थित रहे, उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। विकास सिंह यादव ने, अनुज वर्मा ने, जगदीश यादव ने, मनोज कुमार ने, ममता देवी ने। तो धीमे धीमे प्रत्येक 7 लोगों ने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया, तो 7 सीटें जो यहाँ पर खाली हो जाएंगी गोंडा जिले से। अब इस तरीके से प्रत्येक जिले में सीटें खाली हैं और सभी जिलों से डाटा आ जाएगा। धीमे धीमे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी जिलों का डाटा को कलेक्शन किया जाए और सूची बनाई जाए, जिससे कि सीटों की संख्या है सरकार तक जो बात पहुंचे उससे पहले हम लोग क्लियर कर देंगे उसको। लेकिन कितनी सीटें खाली हैं उसके बाद में जो यात्रियों की संख्या जीरो जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये संशय की बात है। और वहाँ के जितने भी मेंबर हैं जो अचानक साथी है जो 1356 में आची हैं, तो उन लोगों को संपर्क करना चाहिए और अपना डाटा भिजवाना चाहिए। अब तो ये आज की डेट में, लेकिन ये बात अहम हो चुकी है कि जो 19 सितंबर को जो अपडेट होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सब सरकार भी चाह रही है मुद्दा हल और कोर्ट भी चाह रहा है, क्योंकि रंजन राय की बेंच में ही पहले केस सुना गया था, फिर से उन्हीं के केस मतलब उसकी बेंच में आ गया है, तो बहुत जल्दी ही सॉल्व होने के चांसेस हैं यहाँ पर। और सरकार भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इसको नियमानुसार समाप्त कर दिया जाए। तो कोई ना कोई विशेष अपडेट निकल कर आएगी 19 को, और उससे पहले भी लगातार अधिकारियों में हड़कंप है, मीटिंग हो रही है और मीटिंग होने वाली है, तो उसमें अभी क्या होगा सब बता देंगे आप लोगों को। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आप सभी लोगों को समय टू समय जानकारी होती रहे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।